हेलो दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे चिड़िया चरित्र कहानी। आप लोग को अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब करना ना भूलना। एक छोटे से गांव में एक मियाँ बीवी रहते थे। उसका पति बहुत ही मेहनती था और बहुत ईमानदार भी था। उसकी पत्नी बहुत शातिर थी, रोज़ रोज तरकीब ढूंढती थी काम कैसा ना किया जाए कि काम कुछ करना ना पड़े। और एक तरफ उसका आदमी था, बहुत ही मेहनती था। वो काम पे जाता था, काम से आता था, अपनी पत्नी से हर चीज़ बात करता था, हर चीज़ सही था। करते करते कुछ दिन की बात हो गया, वो अपने काम में होशियार उसकी पत्नी हो गई। रोज़ रोज़ जो तरकीब ढूंढती थी काम कैसा ना किया जाए। उसके बाद वो भूत के नाटक से पीड़ित होने लगी। वो अपनी ही कला में डूब चुकी थी कि मुझको भूत पकड़ा है, चुड़ैल। जब उसका आदमी आता था उसको मारने दौड़ती थी। वो बेचारा परेशान था काफ़ी दिन तक। ऐसे करते करते काफ़ी दिन हो गया, वो काम भी नहीं, काम करती ही नहीं थी घर का, बस बैठी रहती थी, रोती रहती, नकल करती थी। हर चीज़ से करते करते काफ़ी दिन हो गया। वो काम पे जाता था, खाना बनाता था, उसका कपड़ा भी धोने लगता था। वो उसे पागल की तरह बैठी रहती थी। उसके जाने के बाद वो फिर भी सही हो जाती थी। वो उसके बाद शाम के आता था, फिर उसे हो जाती थी। करते करते आस के पास के पड़ोसी जो उसकी सब देखते थे औरतें, करते करते उस औरत आए पूछने लगी, भैया जब जाते हैं तो सही हो जाती हो तुम, जब काम पर से आ जाते हैं तो फिर उसे चलो। तो बोले कि ऐसा करना हो तुमको भी बता दें, तुमको भी काम नहीं करना पड़ेगा। बोले दीदी ऐसा बता दो, हम बहुत काम बहुत करना पड़ता है, ये औरत का झमेला बहुत ख़राब होता है, कुछ करना है पूरा दिन, लड़का बच्चा यही सब करना पड़ता है, पूरा दिन काम करना पड़ता है उनको सबको। बस काम से 2 घंटा करते हैं, उसके बाद आओ उनका पैर दबाओ, ये सब करना। तो उसने बोले कि थोड़ा मेरी बात सुनो, हम नाटक करते हैं भूत का, जब वो आते हैं तो हम नाटक चालू कर देते हैं कि मुझको भूत ने चुड़ैल ने पकड़ा है, जोर जोर चिल्लाने लगती हूँ, मारने दौड़ती हूँ उनको और काफ़ी डरा जाते हैं। रात रात में हम पैर भी दबाने पड़ता है उनको, हमको बहुत अच्छा लगता है, खाना बनाते हैं, हमारा कपड़ा भी धुलते हैं, लड़का बच्चा को हर चीज़ करते थे, हम कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद ऐसे हमारा चलता है, लेकिन आज तुमको सबको मालूम चल गया है, चलो ठीक है हम बता दे रहे हैं कि ऐसा करने से काम आपको नहीं करना पड़ेगा। तो उसका तरकीब ये कि ऐसे करते रहो, भूत का नाटक करते रहो, काम नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे करते करते सभी औरतें गांव की कन्ने पड़े ऐसे करती रहती थी भूत का नाटक। ऐसे करते करते रोज हर पति अपनी पत्नी से ऊब चुका था। काम करने जाता, कोई मजदूरी करता था, कोई खेती बाड़ी करता था, जब करके आते थे तो अपनी पत्नी को वैसे ही पाते थे, रोती थी, चिल्लाती थी, पति को मारने दौड़ती थी। ऐसे करते करते सभी उदास एक दिन बैठे थे, नीम के पास पेड़ था गांव के बगल में, सभी रो के अपनी अपनी कहानी बता रहे थे कि भैया आप ही घर से चालू हुआ है, पहले आपकी औरत करती थी नकल कि उसको भूत पकड़ा है। उससे करते करते पूरे गांव में फैल गया, सभी अपने अपने मेरी औरतें, सभी की औरतें ऐसे करने पड़े करती करने लगी हैं। और उसके बाद बहुत निराशा थी सबके चेहरे पे कि घर जाएंगे फिर वही चूल्हा बर्तन खाना पीना सबको बनाना पड़ेगा। ऐसे नीम के पेड़ पे काफ़ी दिन तक वहाँ पे बैठते थे, एक दूसरे को अपनी मुसीबत सुनाते थे। एक दिन ऐसे करते करते काफ़ी दिन हो गया बैठे थे, तो एक महात्मा साधु जा रहा था, तो बाबा ने बोला बच्चे लोग ठीक हो? तो अपने ही गम में डूबे थे, किसी को आवाज़ सुनाई नहीं दी।
तो बाबा जी बोले कि क्या बात है, इतना ज़ोर ज़ोर चिल्ला रहा हूँ, बच्चे लोग ठीक हो नहीं सुन रहे हैं, कुछ बात ही होगी गंभीर जो नहीं सुन रहे हैं। तो बाबा ने आके पूछा, बच्चों क्या है मुंह लटका के ऐसे बैठे हो? तब भी नहीं सुने, वो सब अपने ही गम में खोए थे। तो बाबा ने ज़ोर से बोला, बच्चा बेटे क्या है, तुम बहुत मुसीबत में लग रहे हो। तो जिस घर से कहानी चालू थी उसका पति बोला, बाबा बहुत मुसीबत में, क्या हमारी मुसीबत काट दोगे? बोला, बेटे काटने वाली चीज़ होगी, काट देंगे हम, पहले बताओ। तो उसने बताने चालू किया कि मेरे बीबी ऐसा 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 होता है, उसको भूत पकड़ा है, मैं घर से काम करने जाता हूँ, उसके बाद आता हूँ, खाना पीना हर चीज़ बनाना पड़ता है मुझको। ऐसे करते करते सभी औरतें गांव की करने लगी, मेरे ही घर से उठाई है हर चीज़। करते करते मेरे ही ऊपर आरोप लगता है कि इनकी पत्नी ने ऐसे ऐसे किया, टोकटा किया है। गाँव वाले सभी मुझको बताते हैं, दोषी बताते हैं। बोले, बच्चे बहुत तुम सब परेशान हो, और करते करते तुमको सबको 10-12 साल बीत गया है, कैसी हालत तुम्हारी सबकी हो गई है। वो उसने बोला, बाबा जी क्या करें, मजबूरी है, करना ही पड़ता है। बहुत तांत्रिक पास गए, ओझा के पास गए, मंदिर में गए, लेकिन ऐसा कोई चौखट में हमारी पुकार सुनी नहीं गई। तो बाबा ने बोला, ये चिड़िया चरित है बाबा, बेटे तुमको समझ में नहीं आएगी, एक उपाय मैं बताता हूँ, उसको करना पड़ेगा आपको। तो उसने बालक से यही पूछा, बोला एक ही कष्ट उठाना पड़ेगा, अपना पत्नी का मोह माँ छोड़ के उसका हर चीज़ तभी कर सकते हो। बोला कि बाबा बताओ हम उपाय कर, कोई भी उपाय रहेगा हम कर लेंगे। तो ऐसे करते करते बाबा ने बताया कि ये नीम का लोचा मैं आपको एक दे रहा हूँ, जब आपकी पत्नी मारने दौड़े कुछ भी करने दें, तो ये लोचा से कम कम 4 लोचा खींच खींच उसके मारा, और जहाँ कपड़ा लग रहा है हुए बेटों मारे होके देखा कहा हो, तो कल ये तो समय आऊँ हम, और सब नहीं ये रहा, ठीक ना हो जाए तो बताया। फिर कहन, बाबा हम मारी ना पाऊँ, हमका खुदे गिरा गिरा के मारा था, कपड़ा हमारा उतर उतर जात भागे में। कहन, नहीं बेटवा, यही तो का लौचा दे दे, ये हमारा लौचा फूका हुआ लौका है, हमारा बहुत शक्ति बा, ये ऐसा लौचा ना तो देखते मारू डराई जाई। कहें, चला ठीक है बाबा, दई दे हमका तोड़ के। तो बाबा ने लौचा तोड़ के दिया। तो घर जब पहुंचा तो उसकी पत्नी ने वैसे रूप धारण की थी, बेड पे पौड़ी थी। तो बोला, क्या दिक्कत है? तो पोठे जोर से चिल्लाने लगी, तुमको मार डालूंगी, खा डालूंगी। जब भिड़ने की कोशिश करी, वह लौचा बाबा से बोला, बाबा जी का लौचा है, यही काम करेगा, वरना हमारी जान आज बचेगी ही नहीं। वह लौचा निखारा, 4-5 लौचा मारा, जहाँ उसके ब्लाउज के पीछे जो नहीं कपड़ा अस्त रहता है उसके ही पीछे मारा, मार चमड़ा उमड़ा सब निकल गया। जब छठवा लौचा जब मारने के लिए होता है, उसकी मेहरा पैर पकड़ के रोने लगती है कि भूत नहीं है, मैं हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ, अब ना मारो मुझको। बोले, भूत भाग गया? हाँ भूत भाग गया, लेकिन मुझको मारो ना, कितना दर्द हो रहा है, तुम हमको इतना चाहते हो तब भी मारते हो। तो उसका पति बहुत अचंभित हो गया, उसके बाद सो गया, पौड़ा था सोने के लिए, तो पैर और दबाने लगे, खाना पीना अच्छी ला के दिए। तो सुबह उठी, जब उसका पति सुबह उठा तो पूरा काम घर का किया था, लड़का का स्कूल, हर चीज़ तैयार था, नाश्ता पानी हर चीज़। तो बोला, आज मुझको लेट हो गया, अभी फिर करना पड़ेगा काम। जब देखा पूरा घर का काम किया हुआ है, उसकी पत्नी मुस्कुराती आई मंदिर से, खाना पीना तैयार था। बोले अपनी पत्नी से बोले, क्या ठीक हो गई हूँ? हाँ हाँ मैं ठीक हो गई हूँ, मुझको कोई दे, लेकिन लौचा से नहीं मारना मुझको नीम से। तो काम, घर से निकला, काम से काम पे गया, हंसते हंसते फिर काम से वापस आया, तो वही नीम के पीस में, नीम के पेड़ पे पास में सभी बैठे थे। तो हंसते हंसते आया,
तो सभी बोले लगे कि क्या हुआ आज बहुत हंस रहे हो तुम। बोले हमारा तो उपाय तो हो गया, बाबा जी उपाय ने जो बताया तो मैंने कर दिया, आज तो हमारा जीवन सफल हो गया। तो बोले बाबा जी तो आपको उपकार कर दिए, हमारा सबका अटका है। बोले हाँ हाँ, आज हमारी पत्नी पैर भी दबाया, अच्छी दबाया, खाना वाना सब बढ़िया से बनाई वनाई खिलाई उलाई। तो ऐसे बात करते थे, बाबा जी आ गए। तो बोले बच्चा जी और ठीक है, बालक लोग? कहे हाँ बाबा सब ठीक है। तो उस आदमी से पूछे लगे क्या बच्चा ठीक सब ठीक है? हाँ हाँ बाबा जी जैसे तुम बताए थे वैसे किया, सब ठीक हो गया, खाना पीना लत्ता सत्ता सब जितना था धोने लगी हर चीज़। बार बार रोने लगते कि मुझको वो लौचा नीम की लौचा से न मानना। तो सभी बोले बाबा जी हमको भी लौचा दो, हमको भी लौचा। अब बाबा जी दो तीन लौचा तोड़ के दिए, और पब्लिक कितनी थी, आदमी कितने थे, कम कम 150-200। सभी की औरत ऐसे करती थी, सभी औरत ऐसे नाटक करती थी। सभी भी आ चुके थे, बहुत कंटाल गए थे हर चीज़ से। उसके बाद बाबा जी ने बोला है कि ऐसे एक दो लौचे से काम नहीं चलेगा, हम पूरा पेड़ ही फूंक दे रहे हैं, जिसको ज़रूरत होगी वो तोल के मारेगा दौड़ा के। तो बाबा ने पूरा ही पेड़ ही फूंक दिया, और जितने आदमी थे सभी नीम का लौचा बढ़िया बढ़िया लंबा लंबा मोटे मोटे एक एक हाथ का तोड़ लिए, और सभी लुकवा के गए। और रोज का वही था, जैसे पश्चिमान बीवी नकल करती थी, पश्चिमान दौड़ने लगती थी, मारने लगती थी, गाली गलौज कर, वैसे ही नीम के लौचा से मारने लगी थी, आदमी मारने लगे। उसके बाद सबका चमड़ी उमड़ी जब निकला शरीर से, सबका भूत भाग गया। सभी अपने बोले कि नहीं मैं हमको न मारो, हमको न मारो, सभी चिल्लाने लगी। उसके बाद काम अपने आप से होने लगा, सभी अपने काम पे लग गई, बहुत अच्छे से काम किया, सुबह भी है हर चीज़ ऐसे करते करते महीना हो गया। बाबा जी फिर आए, वही नीम के पेड़ के लगे सभी बैठे थे, बाबा जी का इंतज़ार करते थे। बाबा जी के पहुँचते ही मान सब अपने अपने उनके लिए सम्मान के लिए स्वागत में सब जुट गए, पैर और दबाने लगे, खाना पीना की व्यवस्था होने लगी। बोले हमारे बाबा जी उद्धार कर दियो। तो बोले हम कुछ नहीं किए बेटे, ये घर की औरतें ऐसी होती हैं, इनको ज़्यादा बढ़ावा दोगे तो ऐसे ही करने पड़े, वो तो रोज़ रोज़ तरकीब ढूंढते रहते हैं कि मुझको काम ना करने पड़े, इसे बोलते हैं तिरिया चरित, समझे। उनको तुम उनके दिल का हाल नहीं जान सकते, हम जानते हैं, हम सन्यासी हैं। अगर कोई औरत ऐसे करने हरकत चालू कर तो ऐसे ही करना पड़ता है बेटे, तभी ठीक होते। अगर उसको भूत पकड़ा होता तो एक को पकड़ा होता, पूरे गांव को नहीं पकड़ सकता एक भूत, उसके पास इतनी शक्ति नहीं है। ये चिड़िया चरित है बेटे, ये सबके साथ में होता रहता है, समझे। तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को भी ऐसा होगा अगर तुम बताओगे तो, समझदार रहेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे, वरना नीम का लौचा जिंदा ही बाद है, पीटो खोप।